देखिए 24 से भाजपा जो है वो मजबूत है, क्योंकि खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं तो, इंडिया गठबंधन के बाद भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी जो है सपा बसपा एक बार लड़ चुके हैं, अभी उसमें सिर्फ कांग्रेस जुड़ जा रहा है, जिसका वोट परसेंट यूपी में हार्डली 2% है। बहुत ज्यादा इंडिया का प्रभाव जो उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव बिहार में, पश्चिम बंगाल में और साउथ में पड़ सकता है, बट यहाँ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जहां पर भाजपा कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है वहां पर भी भाजपा को नुकसान इससे नहीं होने वाला है। महादलित जो दलितों को प्लान है अपने लाने का, क्योंकि मायावती कहेंगे पिछले कुछ सालों से लगातार कमजोर होती जा रही है, तो दलित वोट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। दलित वोट जिधर भी जाएगा उस तरफ जो सीट है वो निकल जाएगी, इसलिए अगले जो चुनाव का सेंटर होगा, आप देखिएगा उस चुनाव के सेंटर में सबसे जो बड़ा वर्ग है वो दलित है, दलित ही चुनाव का सेंटर रहने वाला है, और सभी दल दलितों को अपने लुभाने का प्रयास करेंगे। भाजपा साथ ये एडवांटेज है कि जो इनकी जो लोक कल्याण की नीतियां थी, चाहे वो इनकी उज्ज्वला योजना था या आवास योजना था, इसके माध्यम से भाजपा ने सभी को टारगेट किया है। इसके अलावा जो आयुष्मान भारत योजना है उसके माध्यम से दलितों के लोगों ने लाभ पहुंचाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं भाजपा इस बारे में बढ़त ले रही है कि दलितों को जिनको 1.5 लाख भाजपा पहुंचा चुकी है वो इनकी तरफ कहीं ना कहीं फिर से आ जाएगा। तो भाजपा अभी जो है प्लस में है दलितों को अपने खींचने में। अखिलेश यादव चूंकि इनसे बेहतर जो दलितों की नाराजगी रही है, इनका जब सरकार थी तो वहां पर कई दलितों ने बोला कि हमारे पर अत्याचार हुआ है, खास कंपनी ने उनको अत्याचार किया है, ये दलितों ने लोगों को बोला था, तो उनकी नाराजगी थी। 1919 चुनाव था तो मैंने कुछ सीटों देखा था, तो दलितों ने वहां पर सपा कैंडिडेट था तो उनको दलित को नहीं दिखा था, स्पष्ट को नहीं दिखा, तो बल्कि भाजपा को वोटर नहीं थे, पर फिर भी सपा को रोकने के उन्होंने भाजपा को वोट कर दिया। ऐसी कुछ सिटी थी जहां पर दलितों ने भाजपा को वोट कर दिया, गठबंधन को वोट नहीं दिया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ दलित बहुत महत्वपूर्ण है, दलितों में सबके से गाँव है, लेकिन भाजपा इस मामले में बहुत ठीक है। अभिषेक वाजपेयी जी आपके पास आऊंगी, 24 के चुनाव के रण के लिए बीजेपी ने तो अपना महाअभियान छेड़ दिया है, दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के बीच जाने का, और मुस्लिमों के, खासकर पसमांदा मुस्लिमों के बीच जाने के लिए। तो जो अखिलेश यादव का पीडीए का जो फॉर्मूला है, तो क्या ये दोनों आमने सामने है, अब टक्कर दे पाएंगे आपका ये पीडीए का फॉर्मूला, जो कि अब मोहन भागवत भी चुनावी मैदान में, गैर राजनीतिक दल है ये, अलग से है, लेकिन पिच तो बीजेपी के लिए ही तैयार कर रहे हैं। अभिषेक जी धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पिच तैयार करने के काम करती है आरएसएस, लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल नहीं। अगर आप किसी भी रूपरेखा में, अगर आप और इससे पता चलता है कि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या, जो भी वो जानते हैं कि 2024 जब आता है तो वो जगह पे डायरेक्ट कंट्रोल का काम आरएसएस करने लगे। आप देखिए कभी भी आरएसएस कब जाती है, जिस समय 2024 का कोई चुनावी चुनाव आने वाला होता है उस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उसकी डी टीम, बल्कि ए टीम कह लीजिए, डी टीम तो भारतीय जनता पार्टी हो जाती है, आरएसएस टीम के तौर से बढ़ करके आती है और उसकी सहायता करने के लिए पूरी रूपरेखा से उसको तैयार करने देखा। लेकिन जब सत्ता में इसका दुरुपयोग किया जाता है तब आरएसएस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आपने देखा कि दिल्ली में जब महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया तब आरएसएस की कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब 18,000 करोड़ रुपए का जो सपना हुआ उसका कोई जवाब नहीं तय हो पा रही है तो उसके लिए आरएसएस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। आपने देखा कि महिला कर्मचारी जो है बाकायदा उसके ऊपर कितनी प्रताड़ना की गई उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। आपने देखा कि सांसद घटना जिसके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाने को लेकर के दो लोग जो महिला ने आत्महत्या कर ली और बाकायदा उसके घर गिरा दिया गया था उसके अर्थ की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आरएसएस सपोर्ट करती है, वह इन सब चीजों पर सपोर्ट नहीं करती, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए आरएसएस हमेशा ऐसे काम करती रहती है और अपने लोगों के माध्यम से किस तैयार करती ताकि जनता हमेशा भ्रमित रहे। 15 लाख रुपए का पिछली बार चुनाव में फॉर्मूला इन्होंने तय किया था तो क्या आरएसएस की जो प्रतिक्रिया आई थी, आदरणीय गृहमंत्री जी ने इस बात को कहा कि जुमले होगी जुमले बाकी होगी, तो इन सब चीजों के पैमाने पर जनता जनार्दन समझ चुकी है कि आरएसएस की और भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में नहीं आनी। ठीक है, आपके पास लौटूंगी अभिषेक जी, आलोक जी आपके पास आऊंगी। देखिए चुनाव करीब आते आते आरएसएस अपना एजेंडा सेट करने के लिए दलितों और मुसलमानों के बीच जा रहा है,
तो क्या समझा जाए कि अब पिच तैयार की जा रही है 24 के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए, समीकरण भी क्या कुछ देखे जा रहे हैं? देखिए चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, चुनाव को लेकर लास्ट टाइम जो था वो स्टार्ट हो चुका है, चुनाव का अंतिम साल मान जाता है, बेसिकली चुनाव तैयारी के मान जाता है, उसमें से लगभग 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं। तो भाजपा जो तंत्र है, जो भाजपा विधायक और सांसद हैं, वो तो चुनावी मोड में आ चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम मुसलमानों में कहीं ना कहीं डंट लगा पाएगा, 20% 10% मुसलमान अपने खींच पाए, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए भाजपा और संघ का प्रयास है कि कम से कम हम अगर पसमांदा टारगेट कर रहे हैं, हम अगर 20 से 25% पसमांदा मुस्लिम को मतलब खींच लेंगे, उसकी वजह से इनके जो जीत मार्जिन है, जो उम्मीदवार रहेंगे, उनका चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए भाजपा के पसमांदा मुस्लिम भाजपा ने फोकस कर रखा है, और जहां तक आंकड़े उसके अनुसार जो है, जो मुस्लिम है उनमें से 80% पसमांदा है, तो मतलब मैं बात करूं बहुत मोटा तगड़ा आंकड़ा है 80%, उसमें 25% लाती है तो ओवरऑल 20% मुस्लिम जो भाजपा की तरफ आ जाएगा। यदि 20% अपने बारे में सफल हो पाए, ठीक है, उस सिचुएशन में जो इनको बाकी उम्मीदवार है जो अपोनेंट के, उनको सीटें निकालने में समस्या हो जाएगी। खासतौर इसका सबसे बड़ा असर जो व्यापक असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर पड़ता है, वहां पर इसका बहुत ज्यादा असर। ठीक है, आलोक जी लौटूंगी आपके पास। वकार हैदर भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि देखिए अब मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी और आरएसएस दोनों ही अब दिखाई दे रही है। एक तरफ संसद में आपने सुना कि बीजेपी सांसद विधूड़ी का बयान और दानिश अली को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कहा उग्रवादी आतंकवादी, तो क्या उसके बाद मुस्लिमों को लुभाने में कामयाब हो पाएगा आरएसएस, क्या मानते हैं आप? बहुत अच्छी बात अभी बोली कि जो है एजेंडा सेट कर रहे हैं, बिल्कुल ये एजेंडा सेट कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, पसमांदा के लिए बात कर रहे हैं, और बाकी संसद में जो नई संसद मोदी जी ने बनवाई और उसमें जाके अच्छी बात होने का जो वादा किया गया था, देश को जोड़ने की बात होनी चाहिए, वहां पे मुसलमानों के एक सांसद को गालियां दी जा रही हैं, खुले में गालियां दी जा रही है जिसका लाइफ जा रहा है, तो इनका एजेंडा तो पूरा सेट हो गया है और जाहिर हो गया है, बता दिया है लोगों को कि हमारा एजेंडा यही चलेगा और यही देश के मुसलमानों को जो है बताने की कोशिश की जा रही है कि आप सांसद होके वहां पे इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपने एजेंडा सेट कर दिया है, मुसलमानों को एक मैसेज दे दिया है। और उसके बाद आप देख लीजिए क्या किसी आरएसएस के चीफ ने उस पर जो है कोई टिप्पणी करी, क्या उन्हीं ने कोई ट्वीट किया, वैसे तो सब लोग ट्वीट करते हैं, क्या मोदी जी ने ट्वीट किया, क्या किसी बड़े नेता ने उस पर ट्वीट किया, कुछ नहीं किया ना, उनको जो है कोई लोकसभा की स्पीकर को आप ले लीजिए, वैसे तो बहुत कुछ कह देंगे, सांसद संजय सिंह को जो है निलंबन कर देते हैं, राघव चड्ढा कर देते हैं, आप इनको एजेंडा बिल्कुल सही कह रही है, इन्होंने सेट कर रखा है और इसी तरीके से एजेंडा इनका चलने वाला है आगे भी 2024 में भी। ठीक है वकार साहब, आपके पास फिर से लौटूंगे। सुरेंद्र कुमार जी बीजेपी से प्रवक्ता है, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आरएसएस अब चुनाव करीब आते ही आते ही अपना जो एजेंडा है वो सेट करने के लिए दलितों और मुस्लिमों के बीच जा रहा है, तो क्या माना जाए कि 24 के रण के लिए बीजेपी के लिए जमीन तैयार कर रहा है आरएसएस? सुरेंद्र जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस हो, ये कोई जमीन तैयार नहीं कर रहा है, हमारा जमीन पहले से तैयार है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर हमने नारा दिया सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबका सहयोग, तो हम उसी रास्ते से आगे चल रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा वो हिंदू मुस्लिम, ये तो ये लोग है जिनकी जो है आज जमीन बिगड़ चुकी है उनको डर लग रहा है, हमको काहे को डर है, हम तो वहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर विकास कर रहे हैं, सभी समाजों का विकास कर रहे हैं, आप जब देखिए जनधन योजना खाता हम लोगों ने जो खुलवाने का काम किया तो हमने तो नहीं पूछा कि मुसलमान है हिंदू है दलित है महादलित है, हमने सबका पता खुलवाया, जब इज्जत वाला स्वागत देने की बात आई तब भी हमने किसी से नहीं पूछा, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आई तब तो हमने नहीं पूछा कि दलित है महादलित है ओबीसी समाज है मुसलमान समाज है, या 5 किलो अनाज देने की बात हो चाहे गैस कनेक्शन देने की बात हो, तो हमने तो कभी ये कहा ही नहीं, हम तो उसके रास्ते पे चल रहे, हमारा मकसद है उत्तर प्रदेश का विकास हो, सबका विकास हो, सभी समाज का विकास हो। ठीक है अभिषेक जी, आते हो आपके पास। ठीक है ठीक है सुरेंद्र जी, फिर से लौटूंगी। अभिषेक जी, अब सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जमीन तो पहले से ही तैयार है बीजेपी की, जमीन तैयार करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, सदन में गाली ये देंगे,
अब शब्दों का प्रयोग ये करेंगे, तार तार ये करेंगे, पाकिस्तान जाने की सलाह ये देंगे, कोई भी चीज कोई भी विकास के नाम पे कार्य ये नहीं कर पाएंगे। परेशानी इनकी यही है, क्योंकि अगर आप देखिए एक या 18,000 करोड़ की मैंने बात कही उसमें देख लीजिए, आप चाहे तो उस होम्योपैथिक जो बाकायदा जो घोटाला हुआ छात्रवृत्ति का उसको आप देख सकती हैं, आप चाहे तो स्वास्थ्य विभाग में आप देख सकती हैं किस तरीके से परेशान किया जाता है, किस जगह पे समाधान नहीं दिया जाता, आप चाहे तो किसी जगह पे भी किसानों को भी आप देख लीजिए, हर एक पैमाने पे। और तो और छोड़िए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही कैसे धन उगाही कर रहे हैं इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या पड़ता राम की नगरी जिसे हम कहते हैं उनके मेयर के ऊपर कैसे कैसे आरोप लगे, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, पिच इनकी तैयार है और जनता जनार्दन इस पिच पे इनको क्लीन बोर्ड जरूर करे। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। आलोक जी आपके पास आऊंगी। देखिए आरएसएस के लिए आम धारणा यही बनी है कि मुसलमान आरएसएस को समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अब मुसलमानों और पसमांदा मुसलमानों के बीच पैठ बढ़ाई जा रही है आरएसएस के द्वारा, तो क्या ये 24 के लिए कुछ असरदार होगा? देखिए मैं बताऊं ना, मुसलमान भाजपा वोट नहीं करता, सच्चाई है, लेकिन 2019 की सीटों पे जहां पर हमारी टीम काम कर रही थी, हमने देखा था कई ऐसे बूथ थे जहां पर भाजपा को दरअसल मुसलमानों ने वोट किया था। ये वो मुस्लिम थे जिनको भाजपा की जो योजनाएं चल रही जिनको उनसे लाभ मिला था, ऐसे मुसलमानों ने भाजपा को वोट किया था। 14 के मुकाबले भाजपा की वोट की बढ़ोतरी जो है 19 में हुई थी, हो सकता है हम 24 से और बड़ी बढ़ोतरी देखें कि 19 भाजपा ने खास मुस्लिमों को कुछ काम नहीं करता, जिस तरह से भाजपा का पसमांदा मुस्लिम लेकर काम कर रहे हैं इसलिए उसको बढ़ेगा। अभी एक अच्छी चर्चा चल रही थी, मैं अभी उसमें आना चाहूंगा। अभी यहाँ पर रमेश भूरी जी और दानिश अली अंसारी की चर्चा चल रही थी उनके बयानों को लेकर के, जब ये बयान जब उसको टीवी में देख रहा था जब पार्लियामेंट चल रहा सेशन चल रहा था, वहां पर देखिए अगर भाजपा एक परिवार है तो मोदी जी उसके अभिभावक है, यदि अभिभावक कोई बोलेगा तो उसे परिवार से कोई जवाब उसको जरूर देगा। दानिश अली अंसारी जी ने मोदी जी के बारे में शब्दों का प्रयोग किया था, फिर जब रमेश भूरी जी बोल रहे थे तो उस समय दानिश अली अंसारी जी उनको लगातार प्रवोक कर रहे थे, उस प्रवोक के आधार पर उन्होंने उसका पलटवार किया था। तो मुझे तो लगता है कोई भी व्यक्ति किसी अभिभावक के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई यदि अपशब्दों का प्रयोग करता तो भी गलत है। उसी का पलटवार जो है रमेश भूरी जी किया था, क्या अच्छा क्या बुरा वो अलग मैटर, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो एक अलग विषय है, वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन जो यहाँ चर्चा भूरी जी की दानिश अली अंसारी जी की, उसमें यही है कि हाँ हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, हम ऐसा कुछ ना बोले कि सामने वाला बंदा प्रवोक हो जाए और बदले में वो पलटवार हमारे ऊपर कर दे। इसका ध्यान सभी को रखना चाहिए, ये किसी व्यक्ति के ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है वकील साहब, आपके पास आऊंगी। देखिए मस्जिदों और चर्चों में जाकर, मस्जिदों में मौलवियों से मुलाकात और चर्चों में जाकर पादरियों से मुलाकात की जाएगी, तो ये मुलाकात क्या वोट बैंक में तब्दील हो जाएगी? पसमांदा मुसलमान उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सोचते हैं इस चीज को लेकर? परिंदी जी देखिए, अगर पसमांदा मुसलमान के सबसे बड़े हिस्से थी हैं तो इनके इनको जो एक श्वेत पत्र लाना चाहिए और उनके उनका प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए, उनके आरक्षण की बात करनी चाहिए। आप इन सब मुद्दे पे इनको जो है अगर आप बात करेंगे तो ये बात नहीं करना चाहेंगे, उनके प्रतिनिधित्व की उनके जो है आरक्षण की अगर बात आप उठाएंगे तो ये तो है इधर उधर की बात करेंगे। आप अगर देना ही चाहते हैं ईमानदारी से तो सबसे पहले जो 70 कमेटी है उसी को ही आप लागू करवा दिए, उसमें ज्यादातर मैक्सिमम पसमांदा समाज के ही लोग हमारे आते हैं। आप केवल ये बांटने की राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमानों में पसमांदा मुस्लिम, ये मुस्लिम वो मुस्लिम, हिंदुओं भाइयों में भी हमारे इस तरीके का, ये केवल विघटन की राजनीति कर रहे हैं। इनका 2024 में बुढ़िया बिस्तर सब बनने वाला है। ठीक है, इसका जवाब मैं सुरेंद्र जी से जरूर लूंगी। सुरेंद्र जी, वकास साहब कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वोट बैंक के आधार पर अब लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है। सुरेंद्र जी चलिए ठीक है, उन तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आलोक द्विवेदी जी आपके पास ही आऊंगी। जिस तरीके से वकास साहब भी कह रहे हैं, आपने सुना उनको कि वोट बैंक की सिर्फ ये राजनीति हो रही है, क्या वाकई में वोट बैंक की राजनीति हो रही है? क्या आगे मुस्लिम पसमांदाओं को आगे लेकर चला जाएगा चुनाव के बाद? देखिए राजनीति तो हर दल वोट बैंक ही करता है, चाहे जो भी दल है, उनका काम ही वोट बैंक की राजनीति करना है। जो ज्यादा वोट पाएगा वो सरकार बनाएगा। कोई व्यक्ति चुनाव में जो खड़ा होता है चुनाव को जीतने के लिए खड़ा होता है, हारने के लिए खड़ा नहीं होता है। चुनाव जीतेगा वोटों से, उसे सभी वर्गों के सभी जातियों की वोट चाहिए। उसके लिए सबकी अपनी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटजी होती है, क्या समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं, क्या कांग्रेस की स्ट्रेटजी नहीं है, क्या आरजेडी की नहीं, क्या जेडीयू की स्ट्रेटजी नहीं है,
किसकी स्ट्रेटजी नहीं, सबकी अपनी प्लानिंग होती है, उसके हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें लोग पर्दे के सामने बोलते हैं, कुछ बातें पर्दे के पीछे होती है। जो पर्दे के पीछे बात हो पर्दे कभी भी नहीं आ सकती है। सभी दल की अपनी प्लानिंग है, हर धर्म हर वर्ग के लोग लेंगे, इसलिए उसी के अनुसार टीमों का गठन किया जाता है, उसी के अनुसार संगठन बदलाव किए जाते हैं और उसी धाम पर लोग पैसा लेके आगे बढ़ते हैं। अगले दिन देखिए ब्राह्मणों को अपने तरफ लाने के लिए और 2021 में कमेटी बनाई थी ब्राह्मण लाने के लिए का काम था। भाजपा मुसलमानों ने कमेटी बना रखी है, मुसलमान भाजपा टीम है, वो सबकी अपनी टीमें काम कर रही है अलग धर्मों के अलग वर्गों के साथ लाने की, इसमें कुछ गलत नहीं है। वोट बैंक की राजनीति हर दल करता है और वो पॉलिटिक्स में आ रही है वोट बैंक की राजनीति को करने के लिए, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है आलोक जी, सुरेंद्र जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? देखिए सुरेंद्र जी, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है, एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। बिल्कुल भी चुनावी स्टंट नहीं है। आप देख लीजिए 2014 से लेकर लगातार जो है मोरिया मिस्टर तो इन लोगों का बना गया है और ये आरोप ये लगाते हैं, हम तो कह रहे हैं विकास के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हम लड़ेंगे, आप भी आइए विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और ये गुंडा माफिया को बताने का काम ये लोग किए और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। आप हमने उत्तर प्रदेश का विकास किया है, हमने उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति के दिल में बसा है, आज हम जरूरी स्तर पे उत्तर प्रदेश की जनता को जीत कराने का काम किया है और जनता जीत लगा के उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के ऊपर नाम लगाए मोहल्ला की सब इंतजाम कर रही है। अभिषेक जी आप रुक जाइए, आपके पास आऊंगी अभी। अभिषेक जी रुक जाइए आप, सुरेंद्र जी चुनाव हारते जा रहे हैं और उसके बाद भी ये कह रहे हैं बोलिया बच्चा इसका मानेगा। अरे भैया आपको देख लो 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, फिर 23 में आप हार गए, उसके बाद भी बोलिया इस तरह बनवा रहे हो, तो खुद को आप झांक के देखो कितनी बोलिया उत्तर बनने वाली है। ठीक है जवाब अभिषेक वाजपेयी जी देंगे। अभिषेक वाजपेयी जी वो तो हमने देख ही ली थी, सिर्फ प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री बचे थे, बाकी पूरी भारतीय जनता पार्टी तो आ ही चुकी थी, बचा कौन था। उसके बाद अभी आप जब अपराधियों की बात कर रहे थे, बागपत के साथ घटना आप भूल गए, जहां पे बाकायदा आप जमीन कब्जाने के आरोप आपके ऊपर लगे थे और पुलिस प्रशासन भी साथ में आई थी। अयोध्या के मेयर की घटना ले लीजिए, या किसी छुपा नहीं, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैसे अवैध बिल्डिंग को बचाने के लिए आपके विधायक आए थे, या किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक ने कितनी सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, जहाँ पे लखीमपुर में महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ की थी, विधायक जी ने अपने लड़के को बचाने के लिए थाने पर हमला करके छुड़ा ले गए थे, इसके बारे में बताइए। पिछले सत्र में आपके शिक्षा मंत्री ने झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके अपने ही भाई को नौकरी दिलाना चाहा, इसके बारे में भी छुपाया हुआ नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए ज्यादा अच्छी चीज ये रहेगी कि आप अपने ठीक है। अभिषेक जी ठीक है, चर्चा को आगे नहीं लेकर जा पाऊंगी, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का आज चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।